सरबजोत सिंह ओलंपिक मेडलिस्ट इन शूटिंग, तुहानू बहुत बहुत मुबारक। बड़ा सोहना निशाना लाया है। ये जो गेम चली, जो आखिरी मैच चला, उसमें कुछ ऊंच नीच आई? जब नीच का समय आए तो कुछ आप नर्वस हुए? हाँ जी, नर्वस हुआ था, बिकॉज मेरा फर्स्ट शॉट अच्छा नहीं निकला तब। एंड उसके बाद फिर थोड़ा हो गया कि हाँ, फर्स्ट शॉट था, निकल गया। अब सेकंड शॉट की प्रिपरेशन कर एंड ऑल, वो सारा कुछ। उसके बाद काफ़ी अच्छा था मैच। तो जब आप नर्वस होते हैं, अपने आप को कैसे संभालते हैं? फर्स्ट बेली ब्रीदिंग और थोड़ी आइज क्लोज करके, यही बस ब्रीदिंग ही करता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो शूटिंग के दौरान या आपने ये सब कर रहे थे? शूटिंग के दौरान, क्योंकि फर्स्ट शॉट के बाद सेकंड शॉट में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 1 मिनट। उसी में वो जब अनाउंस करते होते हैं स्कोर, तो उस टाइम पर मैं ब्रीदिंग करता होता हूँ। अच्छा, ये जो आपने मेडल जीता है, मनु भाकर के साथ जीता है, तो जब आप दोनों मिलकर शूटिंग करते हैं तो इंडिविजुअली करते हैं कि आपका एक समझौता है, एक टीम वर्क है? इंडिविजुअली, कि हमारी मतलब बात हुई थी आज भी कि दोनों ने अपना बेस्ट देना, और बस इसी में 50-50% होता है दोनों का, कि दोनों ने अपना बेस्ट दिया। लेकिन भविष्य में आप चाहेंगे कि उसके साथ, मनु के साथ टीम अप करें? हाँ, वैसे हमारी 2019 से बनी हुई है, नेशनल में भी थी, उसके बाद दोबारा फिर नेशनल में थी, अब इंटरनेशनल भी थी, एक जूनियर में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, पता नहीं वर्ल्ड कप था वो, काफ़ी अच्छा था वो सारा कुछ। एक शूटिंग के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं? क्वालिटीज़ मैटर नहीं करती सर इतनी, जस्ट हार्डवर्क मैटर करता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हार्डवर्क में क्या क्वालिटीज, मतलब स्टेडी हैंड, स्टेडी आई, क्या क्या चाहिए? फिजिकली क्या चाहिए उसके लिए? फिजिकली मेंटेलिटी, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है वो मेंटेलिटी हासिल करने के लिए लोगों को, और सेकंड फिजिकल और मेंटली हो गया, मेंटली प्रिपरेशन, वो सारा कुछ, और होल्डिंग, ब्रीदिंग, फ्रंट साइड फोकस, ये वो सारा कुछ बहुत मैटर करता है। तो कितनी को प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? मैं बड़ा ट्रेनिंग करता हूँ सेंटर फिटनेस क्लब में, जो मेरे पर्सनल कोच अभिषेक राणा, उनके अंडर। एंड मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ और रात को मतलब 9 बजे वापस जाता हूँ। पापा भी कहते थे कभी कभी कि बहुत लेट होने लग गया टाइम से आ जाए कर, तो मैं उनको शेड्यूल दिखाया अपना कि ऐसे ऐसे टाइम शूटिंग करता हूँ, तो बनती नहीं बात कभी कभी, तो 8 या 9 बज जाते थे मेरे को रात को, मतलब पूरा दिन ही मेरा रेंज पे और जिम में लग रहा है। तो लाइफ टाइम डेडिकेशन आपकी यही स्पोर्ट रहेगी? डेडिकेशन हाँ जी, कह सकते हो इस चीज़ को, बट अभी दोबारा फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा। अखीरी सवाल पंजाबी च, देखो तुसी वापस जाओगे ते टब्बर नाल, गुआंडिया नाल, यारा नाल की प्रोग्राम रहेगा? यारा नाल थोड़ी पार्टी एंड फैमिली नाल थोड़ा टाइम स्पेंड करांगे, बहुत टाइम हो गया बिकॉज बैक टू बैक मैचेस एंड ऑल, मतलब घर भी मैं बस 10 दिन ले गया सी, उहदे च भी इन्ना मतलब मिलिया जुलिया नहीं, बट हाँ हुण जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करांगे 2 महीने, उस तो बाद ट्रेनिंग फिर तो स्टार्ट। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।